यार दिल से स्वागत है फिर से आपका अपने न्यू ब्लॉग में। सो भाई फाइनली पहुंच गए उदयपुर और गाड़ी लगा दी अनलोडिंग के लिए। सो भाई यहाँ पे है सतनाम ऑटोमोबाइल, जो कि है मतलब पूरे राजस्थान में इनका होल सोल का मार्केट है। मतलब टाटा मोटर का जितना भी है, BS6, BS4, BS3, Euro 3, मतलब जितना भी है टाटा मोटर का ही सामान इनके पास में उपलब्ध है। हर प्रकार का चेचिस हो गया, मतलब चेचिस जो कोई डैमेज चेचिस हो जाता है उसके लिए न्यू चेचिस उपलब्ध करवाना है, या डैशबोर्ड वगैरह जो भी मतलब ऑल टोटल गाड़ी का सामान होता है टाटा ट्रक का, वो टोटल सामान मिलेगा। टाटा ट्रक का छोटा छोटा गाड़ियों का भी मिलेगा, मतलब लोडिंग वाहन का। सो अभी यहीं पर अनलोडिंग हो रही है अपनी और हम पहुँचे थे सुबह मॉर्निंग में। सो अभी अनलोडिंग के लिए लगाई है और यहाँ से अब देखेंगे सूरत साइड का, अगर हमें मिलता है लोडिंग तो जाएंगे सूरत, क्योंकि अभी पता किया है कि भिंडी का भाड़ा थोड़ा ठीक है तो अभी भिंडी के लिए जाएंगे। सो देखते हैं, पहले करवा दें यहाँ पे अनलोडिंग। सो जो भाई नया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, तो बने रहना पूरे व्लॉग में। अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा चलते हैं पीछे। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है सतनाम ऑटोमोबाइल, टाटा सतनाम ऑटोमोबाइल। ये पूरा ऑफिस है भाई, काफ़ी लंबा इनका यहाँ पे काम है। और भाई ये देखो पूरा लास्ट से लेके यहाँ तक है, और अपनी गाड़ी लगा दी अनलोडिंग के लिए। ये भाई लोग कर रहे हैं खाली। सो भाई इनका काफ़ी अच्छा काम है, मतलब आल राजस्थान में गुजरात वगैरह भी जाता होगा ये इतना तो पता नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है इनका। तो ये देखो पार्ट्स पूरा कबानी, क्लिच प्लेट, टाटा मोटर का जितना भी है। भाई लोग अभी कर देंगे घंटे भर में खाली। और भाई ये आती है 20 लीटर की यूरिया की बाल्टी, इसकी रेट 1400 रुपये। देखो ये इस पर प्रिंट, ये 1400 रुपये। तो दोस्तों अपनी गाड़ी हो गई कंप्लीट अनलोडिंग और अभी जा रहे हैं सूरत की लोडिंग के लिए। और गाइस सूरत का हमारा है पाउडर, उसका रेट है 1100 रुपये टन है। राजेश राजेश इस बार भिंडी भर के आएगा भाई है राजेश, भिंडी भर के आएगा, भिंडी ये भिंडी ले लो, भिंडी जल्दी भिंडी करेगा, जल्दी भिंडी करेगा। तो गाइस चलते हैं अभी लोडिंग के लिए। तो दोस्तों ये है कल एडवास इंडस्ट्रीज एरिया, और भाई चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है। वो नयो बाईपास खड़ी सी जरा जिसे जो उदयपुर को बाईपास नहीं बन रहे, जो वो उधर है वो सामने दिख रहा था, वो ब्रिज दिख रही भी इधर से आएगा भाई, उदयपुर का नया बाईपास। तो यहाँ से होगी हमारी गाड़ी लोडिंग सूरत के लिए। 18 टन वजन, 110 रुपये भाड़ा। क्यों राजेश, है राजेश भैया कहा हो, भैया कहा हो रहा है। तो दोस्तों अभी आगे एक कांटा है, वहाँ पे कांटा करवा के जाएंगे फैक्ट्री में और वहाँ से करेंगे लोडिंग। तो भाई इस साइड में काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं, कलडवा साइड में,
क्योंकि यहाँ से जाता है पालनपुर का आटा, जो कि मैं पहले पुरानी गाड़ी में भर के जाता था। तो अभी भरेंगे पाउडर, अभी चलते हैं कांटे पे, आटा करवा के जाते हैं। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गए फैक्ट्री के बाहर, और ये है फैक्ट्री, यहाँ से ही होगी अपनी गाड़ी लोडिंग। टॉमी टॉमी, सो अभी वो तकरीबन 2 घंटे के बाद में स्टार्ट करेंगे लोडिंग, तब तक राजेश बनाएगा चाय। हाँ ये बबुआ, ये बबुआ का करा तो बानी, इसके साथ रह रहे के मैं बिहारी भाषा सीख रहा हूँ। बिहारी भैया के साथ में रह रहे के पूरी बिहारी आएगी मेरे को। चल राजेश बढ़िया कड़क वाली चाय पिला मेरे को, है राजेश गौर से देखो इस शख्स को भाई, गौर से देखो। और राजेश पाउडर ही पाउडर उड़ रहा है भाई। तो दोस्तों ये हो रही है अपनी गाड़ी लोडिंग, और भाई पाउडर इतना उड़ रहा है यहाँ पे बेहद। तो अपनी गाड़ी में 17-18 टन वजन रहेगा। अभी हो गई लगभग आधी के, आधी जितना हो गई। देखते हैं कितनी हुई है। ओ भाई अंदर तो बुरा हाल है, बनता है पत्थर का, ये पत्थर आता है, ये आसपास में सब पहाड़ी एरिया है, तो ये यहीं से आता है पत्थर, और इसी पत्थर को पीस के बनाते हैं पाउडर। अब पता नहीं किस चीज़ में काम यूज आएगा ये। तो राजेश अभी चाय के बर्तन वगैरह धोने जा रहा है। हाँ राजेश ओ चिल, क्या कमरिया है तेरी। सो दोस्तों फाइनली हो गया अपना कंप्लीट, और पीछे लगा दिए फट्टे, कृपाल तो हमने डाला नहीं क्योंकि सुबह तक पहुंच जाएंगे शायद, तो मौसम ज़्यादा ख़राब वराब तो है नहीं, बाकी आएगा तो देख लेंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, करते हैं सफ़र कंटिन्यू, गोइंग टू सूरत, और सूरत से क्या भरेंगे भिंडी। राजेश को बड़ा चाव चढ़ रहा है भिंडी भरने का, तो भैया भिंडी जरूरी नहीं है, भिंडी मिले ना ही मिला तो नहीं भरूंगा तो भिंडी भरेगा तो भिंडी ही भरेगा। ये देख लो भाई, भरेगा तो भिंडी ही नहीं भरेगा, नहीं तो कुछ भरेगा ही नहीं भैया, कुछ भी मिले भर के आना है, भिंडी का जरूरी नहीं है। आनंद आ जाएंगे, आनंद से टमाटर भर लेंगे, पहले चलते हैं फिर देखते हैं। तो करते हैं दोस्तों सफर स्टार्ट। ये वाली लाइटें लगवाई थी, ये वाली, और ये जो है ये वाली यहाँ पे, ये ब्रेक बत्ती की है, और ये लाइटें हैं दोनों, ये नई लगवाई थी। तो अभी यहाँ पे रुके हैं उदयपुर बाईपास पे, सो यहाँ से चाय वगैरह पी के फिर निकलते हैं। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाला हूँ खैरवाड़ा टोल टैक्स पे, और भाई ये रोड कंप्लीट होने के बाद ना सफ़र का पता ही नहीं लगता कब सफ़र निकल रहा है, क्योंकि उदयपुर से शामला जी तक नॉन स्टॉप कहीं पे ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा 6 लाइन रोड है कंप्लीट, और भाई रोड भी नया बना हुआ है,
अभी बना था, तो मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूँ। तो अभी 1 किलोमीटर आगे टोल टैक्स है, और भाई अपना सूरत का तकरीबन 400 किलोमीटर का सफ़र है। सो पार्टी वाले ने बोला है सुबह 10-11 बजे के बाद में एड्रेस बताएगा वो, तो जाएंगे आराम आराम से, देखते हैं कहीं सिटी वगैरह का होगा तो वो कल रात में जाएंगे, अगर कहीं बाहर का हुआ तो दिन में खाली कर देंगे कल। बाकी देखते हैं सुबह वो एड्रेस देगा, उसके बाद में पता लगेगा कहाँ का क्या है। तो अभी राजेश सोया हुआ है क्योंकि नाइट में भी चला रहा था, दिन में भी 1-2 घंटे ही सो पाया था ये। तो ये है भाई खैरवाड़ा टोल टैक्स, काफ़ी चौड़ा कर दिया है इन्होंने ये रोड बनने पे, पहले 4 लाइन रोड था ये। तो अभी काफ़ी चौड़ा हो गया, टोल टैक्स वगैरह जगह काफ़ी हो गई यहाँ पे। IRB So, दोस्तों सामला जी पार कर दिया, और ये सामने ब्रिज आ रहा है, इसके नीचे से जाएंगे मोंडासा। मोंडासा कपड़गंज होते हुए जाएंगे बड़ोदरा, और ये भाई सीधा जा रहा है अहमदाबाद। अब अपन जाएंगे इसके नीचे, ये सीधा जा रहा है अहमदाबाद। अभी अपने को जाना है मोंडासा होते हुए बड़ोदरा।